अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आज हम हमारे साइट पे राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, राफ्ट फाउंडेशन की। तो ये हमारे प्रोजेक्ट साइट है जिसमें हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो आज हम इस पोर्शन पे जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इस पे हम राफ्ट करने वाले हैं। तो इसकी स्टील मेश का काम हो रहा है आज। तो कुछ लेबर जो है कॉलम के डावल्स खड़े कर रहे हैं, कुछ रिटेनिंग वॉल्स और बाकी कुछ जो है टॉप मेश पे लगे हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि राफ्ट फाउंडेशन में जो है बीइंग साइट इंस्पेक्टर, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने पोरिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और क्या क्या चीज़ें गलत हैं वो हम बताएँगे। तो चलें, तो ये हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल है, कितने कट पीस लगने हैं। लेट सपोज ये 6 नंबर के बार हम यूज़ कर रहे हैं डाया। इसी तरह इसका ये जो देख ले इंच में देखे तो ये आ रहा है 0.75, 6 नंबर के जो बार हैं यानी 6 सूत्र का बार हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक है और इसके इस साइज़ में जो 88 बार यूज़ कर रहे हैं, टोटल 88 बार यूज़ हो गए। स्पेसिंग कितना रखना है, 8x8 सेंटर टू सेंटर है जो हमारे जो उसमें स्टील रेनफोर्समेंट में। और इसकी कट लेंथ 40 आ रहे हैं, 40 ने बताया हुआ है। इस तरह से आपको बताया हुआ है कि इसकी शेप कैसे होगी, कैसे होगी, क्योंकि ये एंड कॉर्नर पर आ रहे हैं तो एंड की तरफ आपने डावल इसको बेंड करना है। तो ये बी ए है, ए है, तो दोनों की डायमेंशन अलग अलग। ए की लेंथ जो लॉन्गिट्यूडनल है वो ये है, जबकि बी ये है। अच्छा, तो अब आते हैं, ये बेसिकली ये सारे BVS आपकी हैं, बॉटम बार्स, बॉटम वन, बॉटम टू, बॉटम थ्री, इसी तरह एक टॉप वन, टॉप टू दिख रहे हैं आपको, टॉप वन, टॉप थ्री, इस तरह से एक्स्ट्रा बॉटम, एक्स्ट्रा टॉप्स जितने भी हैं वो यहाँ पे सारे मेंशन हैं। इसी तरह देखें तो आगे ये सही सारे एक्स्ट्रा बॉटम्स, शॉर्टर, लॉन्गर, ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है। आप देखते हैं ये हमारी बेसिकली बिल्डिंग की जो प्लान है कुछ इस तरह से है। तो इसमें से ये पैनल नंबर 8 है, इसको हम इसकी हमने शॉप ड्राइंग बनाई हुई है जूम करके सिर्फ इसी पैनल के। तो इसमें स्टील आपको दिखाया गया, बॉटम बार्स, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों आपको दिखाया हुआ है। तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों इसमें शो किया हुआ है, कितने लेंथ की डलेगी। तो ये देखें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप ड्राइंग ऑफ बॉटम बार्स, यानी बॉटम मेश है, इसमें बॉटम बॉटम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार्स के दिखाए हुए। इसी तरह अगले पेज पे जो है, तो ये टॉप में बॉटम मेश, तो ये अगले पेज पे जो है इसी पैनल नंबर 8 को अगेन इसको जूम किया हुआ है, यानी जिसकी शॉप ड्राइंग बनाई हुई है इसमें देखें टॉप मेश दिखाया हुआ है, यानी टॉप की जो है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे डलेगी और लेपिंग कहाँ कहाँ देना है ये आपको सारे इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है। तो इसकी डिटेल तो बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको दिखा दिया। इसके अलावा इस दोनों टॉप और बॉटम मेश के अलावा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बॉटम बार्स भी है, एक्स्ट्रा बॉटम यानी एक्स्ट्रा मेश डली हुई जहाँ जहाँ कॉलम ने निकलना है वहाँ पे एक जा। तो ये बॉटम मेश के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेश आ जाए आएगी, इसको टॉप एक्स्ट्रा बॉटम कहेंगे हम। तो ये हर कॉलम के नीचे जो है एक एक्स्ट्रा लेयर डलेगी जिसको एक्स्ट्रा बॉटम कहेंगे। तो इसकी लेंथ भी गिवन है सारी। इसी तरह टॉप जो मेश यानी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और मेन के बाद इसके ऊपर भी टॉप एक्स्ट्रा है। तो ये डिज़ाइनर ने दिया हुआ है एक पट्टी में, देखिए 16 फिट की जो इतनी लेंथ में सिर्फ एक लेयर डलेगी, यानी ये इसको जाली नहीं बनाने, सिर्फ एक लेयर डलेगी, सेंटर में सिर्फ एक पट्टी और इसके ऊपर आई, तो ये सिर्फ सेंटर में एक्स्ट्रा जो टॉप इसकी एक जाली बनेगी। तो ये हो गया एक्स्ट्रा टॉप। हमारा जो एक्स्ट्रा बॉटम जिसके मैंने आपको दिखाया था ड्राइंग में, वो यहाँ पे एक कॉलम ने निकलना है, यहाँ पे चूने भी मार्किंग भी हुई हुई है। तो इधर इन्होंने जो है एक्स्ट्रा बॉटम मेश लगाया हुआ है, यहाँ मेश बोले तो ये एक जाली, नीचे मेन बार तो है ही मेन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर ये एक क्या डली है एक्स्ट्रा लेयर डली है मेश। तो इसका आप इधर आ जाए भैया, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग है। ये बेसिकली ये वाली है जाली है, फोन है ये वाली जाली है जिसको EB4 लिखा हुआ है,
ड्राइंग में, यानी एक्स्ट्रा बॉटम नंबर 4 इसलिए यानी इसकी जो EB4 जहाँ जहाँ भी डली है उसकी साइज सेम है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, इसका डायमेंशन आपने BVS देख के पता लगाना है कि बॉटम 4 का जो है साइज है। ये देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉटम 4 शार्टर लॉन्गर, यानी दोनों सेम है 8x8 के हैं। तो शार्टर लॉन्गर तो कोई नहीं है, दोनों सेम है। तो शार्टर भी हमारा 8 फिट का है और लॉन्गर भी 8 फिट का है। एज यूजुअल ये 6 नंबर के बाहर हम यूज़ कर रहे हैं। और इसकी देखे ये शेप कुछ इस तरह से है, ये आप दिखा दें, इसमें शेप कुछ इस तरह से थोड़ा सा बेंड होना है साइड पे। तो ये स्ट्रेट जो ए सेक्शन साइड है वो 8 फिट के हैं, जो हुक बने साइड पे वो 3-3 इंच के हैं। अब हम चेक करेंगे कि आया यहाँ पे एज पर ड्राइंग साइड पे उन्होंने स्टील डाली कि नहीं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 8 फिट है, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था। उसके अलावा जो है ये बेंड भी थोड़े आपको दिख रहा होगा साइड पे, थोड़ा सा इन्होंने हुक टाइप के बनाए हैं। ये तकरीबन 3 इंच के, देखिए तो ये तकरीबन 3 इंच के हैं, ठीक है। तो इस तरफ भी इसका कट लेंथ 8 फिट है और इसका हुक जो है 3 इंच का बना, तो ये भी ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने इसकी स्पेसिंग चेक करने के लिए टेप को एक ख़ास लेंथ में खोलना है, फिर इसको डिवाइड बाय इसकी स्पेसिंग से करने हैं। इस तरह से आपको इस लेंथ में कितने बार्स ने आना है वो पता चलेगा। तो इस हिसाब से इस साइड पे बार्स डली है तो ठीक, अदरवाइज ठीक नहीं। तो यहाँ पर ये इतना ही ठीक है, हमने बॉटम मैश का आपको बता दिया, उसके अलावा एक्स्ट्रा बॉटम को बता दिया। ये अभी जो दिख रहा है आपको ये बॉटम मैश है, एक जो है मेन बार, एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब यहाँ पे आपने क्या चेक करना है कि इसमें मेक श्योर ये करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि ओवरलैप जहाँ जहाँ आ रहा है। तो आपने ये ओवरलैप कैसे चेक करना है, भाई देखें 54 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने काटी है 55 पे, जैसा कि मैंने बताया ये हमने चेक किया कि ये 72D यानी जो कि बने 54 इंच के, तो वो तो ठीक काटे इन्होंने, 54 इंच का ओवरलैप दिया है, ठीक है। आपने की एक मेक श्योर करना है कि ये इन्होंने कंटिन्यूस तो नहीं लगाया ओवरलैप। तो जैसे ये देखें ये ओवरलैप है, फिर इधर देखें ये नहीं है, यहाँ फिर ओवरलैप है, फिर नहीं है, फिर मीन्स कि ये अल्टरनेट होना चाहिए। एक ओवरलैप यहाँ देना है, दूसरे को आपने थोड़ा आगे ले जाके इधर का ला के दिया, फिर अगले का इधर, फिर पीछे, फिर आगे, यानी आपने जो ओवरलैप देना है वो अल्टरनेट देना है। अच्छा जी, इसके अलावा बॉटम मेश के नीचे कंक्रीट कवर के लिए आपने स्पेसर की थिकनेस चेक करनी है। तो ये यहाँ पर हमारे 3 इंच हैं जो कि कंक्रीट कवर के बराबर हैं, तो 3 इंच कंक्रीट कवर हमारा है, इसी हिसाब से स्पेसर भी ठीक हो गए। बाकी आपने जो इन्होंने कॉलम्स की मार्किंग की हुई है वो मेक श्योर करना कि ये मेश डालने से पहले ही आपके सर्वे ने मार्क किया हो, अदरवाइज ये सारे मेश लगाने के बाद आप उसके मार्किंग नहीं कर पाओगे। अब इसी तरह आपने राफ्ट की जो साइड कवर के लिए उसकी स्पेसिंग, कंक्रीट कवर के लिए स्पेसिंग चेक करनी है, स्पेसर जो लगाया है उसकी थिकनेस चेक करनी है, तो जो कि 3 इंच है। यहाँ भी हमारे जो है साइड कवर्स के लिए जो इन्होंने स्पेसर रखे हुए हैं। तो अच्छा जी, इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा टॉप चेक करना है, इसकी कट लेंथ चेक करनी और इसकी जो कितनी लेंथ पे बिछेगी वो देखने के बाद उस टोटल लेंथ को डिवाइड बाई स्पेसिंग से करेंगे तो आपको कितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे वो आपको पता चलेगा। तो टॉप बार्स की जो है कट लेंथ और नंबर ऑफ बार्स एज पर जो शॉप ड्राइंग या और एज पर BVS है कि नहीं वो आपने वो भी चेक करना है। अच्छा जी, अब हम एक्स्ट्रा टॉप चेक कर रहे हैं। इस एक्स्ट्रा टॉप के जो है कट लेंथ जो है 22 फिट है और 3-3 इंच के हुक हैं, तो ये हम इसकी जो है लेंथ चेक करेंगे आया इन्होंने कट लेंथ सही काटी है या नहीं। तो ये देखें ये पूरी जो है 22 फिट पे इन्होंने काटी हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ इशू है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है दो बार्स, तो ये एक बार जो दूसरे के नीचे सबडक हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसको सबडक नहीं होना चाहिए बल्कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पैरेलल मिला हुआ होना चाहिए, न कि ये सबडक हो।
तो ये सब टैग हुआ है, इसको आपने ठीक कराना है। और इसी तरह इस तरफ जो एक्स्ट्रा बार की जो वो हुक्स है वो ऊपर आड़े टेढ़े हैं, इसको आपने नीचे की तरफ करवाना है। इसके अलावा यहाँ पे भी लेपिंग देखें आप सही से प्रोवाइड नहीं की गई है, तो ये ओपन है बीच में से, तो ये भी गलत तरीका है, इसको भी सही से आपने। अब हम यहाँ पे एक कॉलम है उसमें क्या चीज़ बीइंग ए साइट इंस्पेक्टर क्या चीज़ चेक करनी होगी वो हम हमारे आसिफ भाई से पूछते हैं। अच्छा जी आसिफ भाई, ये आपके पास एक कॉलम है तो आप यहाँ पे मेजरमेंट करें, तो इस हवाले से हमें बताएं इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होगी हमें। जी सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा जो कॉलम है उसका साइज़ क्या है। जी अब यहाँ पर हमारे जो साइड पर जो कॉलम है इसका जो साइज़ हमारे पास 30x30 है। अच्छा यानी 30x30 की जी जी इसका साइज है ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने कवर जो बार लगाने वर्टिकल बार जो लगाने हमने 30x30 के हिसाब से नहीं लगाने बल्कि इसे थोड़ा कवर रखना है कम लगाने क्योंकि हमारा जो कॉलम है इसका कवर है 1.5 इंच। अच्छा 1.5 इंच आप दोनों तरफ छोड़ोगे तो यहाँ से तो वो छोड़ी हुई आप जरा टेप रखना चाहिए जी ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा तकरीबन 27 इंच ठीक है सर वो ठीक है तकरीबन हाँ 27 ही आ रहा है ठीक है बिल्कुल। तो 1.5 इंच सेट कवर को तो छोड़ा हुआ ठीक है वो एक चीज। यहाँ पे सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम आते हैं आपको जो साइड पे जी जी यहाँ पे जो वर्टिकल बार जो लगा रहे हो डावल जो लगे हुए डावल जो लगे इनके दरमियान जो स्पेसिंग होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। अच्छा 4x4 सेंटर टू सेंटर 4 होना चाहिए जी ठीक है। तो ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हम इसके स्पेसिंग बराबर नहीं रखेंगे तो हमारे पास जो रिंग होगा वो रिंग इसके रिंग बराबर नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी ये ठीक है कि स्पेसिंग इसने ठीक रखे हुए हैं इसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और कितने रखे हुए होना चाहिए 4x4 के सेंटर स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर आप देखें तो किसी में भी देखो इसमें हमारे पास 4 आ रहा है उसमें जो है 5 आ रहा है इसमें 3 है। अच्छा तो कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है यहाँ। अच्छा जी तो स्पेसिंग ठीक नहीं है और स्पेसिंग ठीक नहीं होगा तो ऊपर जो है आपको रिंग और स्ट्रिप डालने में प्रॉब्लम आएगा। हमारे पास आसिफ भाई मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रहा है ये जो हमने जो टेप बांधी हुई है इसका क्या पर्पस है ये क्या चीज है। अच्छा गुड ये सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पे ठीक है जी। अगर देखे तो हमारे ये जो राफ्ट है वो 3 फीट है इसका। अच्छा ये हमने जो राफ्ट बनाया राफ्ट फाउंडेशन वो 3 फीट के थिकनेस है टोटल ठीक है। तो अब हमें चाहिए इस राफ्ट का कोई कवर भी चाहिए कंक्रीट कवर चाहिए जी। तो बॉटम में हमने 3 इंच रखा टॉप रखने की तरह इधर भी हमने ये जो है ना स्पेसर के लिए 3 इंच के लिए यहाँ पे सर्वेयर से पहले यहाँ पे मार्क वो टेप से लगाया किस तरह लगाया ऊपर वाला टेप लगाया ताकि हमारे लिए इजी टेप नहीं मैं कह रहा हूँ टेप से आपने इसको लेवल लगाई या फिर टीएस की यूज किया टीएस किया ऑटो लेवल किया। अच्छा, दोनों मिला के यहाँ पे सर्वे अच्छा, लेवल किया इसके बाद हमारे पास ये जो लेवल आ रहा था यानी आपने कंक्रीट यहाँ तक फिल करना कंक्रीट का जो लेवल है टॉप लेवल है हमारे पास जो राफ्ट है वो यहाँ तक आए। अच्छा जी अच्छा जी तो व्यूअर्स हमने आपको बता दिया कि सबसे नीचे जो हम जो मेश है बॉटम मेश है उसके नीचे हम स्पेसर रखते हैं 3 इंच का कवर देने के लिए। इसी तरह ऊपर जो हम मार्क कर देते हैं टीएस की मदद से या टोटल सेशन की मदद से आप मार्क कर देते हैं ऊपर का। लेकिन जो हमारे ये राफ्ट जो है 3 फीट की है डेप्थ इसकी 3 फीट तो यहाँ पे स्पेसर की बजाय हम टॉप मेश और बॉटम मेश को सेपरेट रखने के लिए चेयर्स यूज करेंगे उसकी भी हाइट आप तो चेक करेंगे। अब तो हम एक चीज और बताते हैं जैसे कि हमारे जो है राफ्ट में 2 मेज डलते हैं मेज बोले तो 2 जालियां। तो ये हमारी आपको जो दिख रही है ये पूरी आप नीचे थोड़ा ले नजर आती है ये जो पूरी जो आपको दिख रही है ये हमारी बॉटम मेज कहलाती है यानी इसमें एक मेन बार एक डिस्ट्रीब्यूशन बार इसी तरह सेम एक जाली ऊपर डली है थ्रू आउट। तो ये हम कहते हैं टॉप मेज ये बॉटम मेज ये टॉप मेज। अच्छा जी तो इसमें अक्सर जूनियर्स को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा जो है मेन बार है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखें इधर सबसे जो नीचे डलती है जो बार ये जो नीचे बॉटम मेश के जो नीचे वाले जो बार से हैं वो आपके हमेशा मेन बार कहलाते हैं और इसके ऊपर जो 90 पे इसके ऊपर जो चल रहा है इसी के ऊपर बॉटम मेश में वो होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब टॉप मेश में क्या होता है ये बिल्कुल इसी जाली को उल्टा करना है यानी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर थी आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नीचे रखना है पहले लगाना है उसके ऊपर जो है ये जो बारें आ रही है इस तरफ ये आपकी मेन बार है। तो कहने का मतलब मेन बार दोनों तरफ एक्सट्रीम साइड पे होगा यहाँ पे पहले होगा यहाँ पे टॉप में बाद में आता है तो अंदर वाली जो दोनों हैं जिसकी रुख दोनों इस तरफ है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है।